हंसराज कॉलेज में कौन पढ़ा है? शाहरुख खान? भाई थोड़ा रिसर्च करके आज कैसी कैसी ब्लॉगर है फ्रेंड मेरी। हाँ अनदर टेक। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। चलिए बातें करते हैं विद निमिषा में। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पे खड़ी हूँ, न्यू दिल्ली में हूँ, नॉर्थ कैंपस में हूँ। तो आज के ब्लॉग में क्या है, आज बताओ इशिका, आज के ब्लॉग में क्या है? आज है कैंपस टूर। कैंपस टूर विद इशिका ऑन दिस यूलू बाइक। तो आज आपको दिखाएंगे कि नॉर्थ कैंपस में कौन कौन से कॉलेज हैं, क्या यहाँ के रास्ते हैं और हर कॉलेज की कुछ एक खास बात, देखते हैं मुझे कितना पता है। तो हमारे साथ पूरा सफर एंजॉय करिए, बड़ा मजे आने वाला है। एंड लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। तो हम लोग ले रहे हैं यूलू। इसका नाम यूलू क्यों है, ये क्या है, ये मुझे नहीं पता है। ये एक तरह की बैटरी वाली साइकिल है और सुबह सुबह का मौसम आप देख सकते हैं कितना प्यारा है। और हम यूलू चलाने वाले हैं। मुझ में कितनी शक्ति को आपको अभी पता चलने वाली है। कहाँ बैठेगी? अब सुनो, पूरी रोड थी, देखा आप लोगों ने, रिकॉर्ड हुआ है ये शिकार, पूरी रोड थी लेकिन उस बंदे को मैं पैर के नीचे ही आना था, तो उसे पता उसकी जगह कहाँ है। तो इशिका बैठेगी यहाँ पे, आप देखिए कितना स्पेस है यहाँ। और ये ऐसे चालू होती है, इससे बस ये ऐसे चालू जाती है, ठीक है। ये हॉर्न है, लाइट यहाँ जली रही है, ये ब्रेक्स हैं जो लगते नहीं हैं, एंड आई होप ये चार्ज्ड हो। चलो चलते हैं अपने नॉर्थ कैंपस के सफर पे। तो देखिए हम लोग कितने प्यारे लग रहे हैं, एंड लेट्स स्टार्ट। ओह गॉड, मैं पैर कहाँ रखूँ भाई, मुझे पैर रखने वाला नहीं दिख रहा। हाँ दिख गया, दिख गया, दिख गया। ओह भाई भाई भाई, वैसे मैं सही चलाती हूँ भाई, मेरे को मरने का शौक नहीं है वैसे। वही इसका हैंडल भी बहुत वो है इशिका, ऐसे पैर नहीं रखना है। This is so better, पता है, मैं ऐसे रखती हूँ। यार मेरा बैलेंस क्यों नहीं हो पा रहा है सही, भीड़। यार इसका भी हैंडल खराब है, ये ना यूलू वालों तुम्हें ना पाप पड़ने वाला है। हाँ अब थोड़ा बेटर है। Hi guys, तो इशिका चला रही है। Yo guys, अगर ये मेरा आखिरी दिन है आप लोगों के साथ, आखिरी वीडियो है, तो गाइज आखिरी सलाम, पता नहीं इसके बारे में बचू या ना। इशिका को ब्लेम मत करना। नहीं इशिका को ब्लेम कर रही हूँ, आप लोग देख लो, ये सबूत मैं छोड़ के जा रही हूँ। ओह गॉड, ओए पागल, आगे गड्ढा है, सीधे ले जा रही थी क्या? नहीं नहीं यार रुक, मुझे अपनी पोजीशन चेंज करना है। हाँ साइड, ये साइड का भाई, रोक ट्रक रखे। तो अभी हम लोग मॉल रोड पर हैं, विच इज़ ऑल्सो द इनर रिंग रोड, और यहाँ से आगे जाकर मुखर्जी नगर है। जी हाँ, वही मुखर्जी नगर जहाँ पर UPSC एस्पिरेंट्स का कुंभ मेला चलता है। देखिए आप ज़रा, एंड ये आप देखिए UPSC वालों के बोर्ड शुरू हो गए हैं। एंड दिस इज खालसा। तो सबसे पहला कॉलेज जो विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन के पास है वो है खालसा कॉलेज। तो हम लोग अभी खालसा कॉलेज में खड़े हैं, और खालसा कॉलेज की एक मेमोरी जो मेरी है, जब मैं यहाँ फर्स्ट ईयर में आई थी तो मैं आई यहाँ पर, और यहाँ पे हमेशा भांगड़ा चलता रहता है, लोग इंजॉय करते रहते हैं, तो यहाँ पे ना फेस्टिव सीजन का इंतजार नहीं करना पड़ता इंजॉय करने के लिए। एंड मेरी फ्रेंड कमलप्रीत भी यहाँ पढ़ती है, तो दिस इज खालसा कॉलेज। तो आप म्यूजिक पसंद है क्या किसी को? गा के बताओ इशिका, कौन सा गाना चल रहा था उस कार में? तो अब हम आ चुके हैं मिरांडा हाउस, जो कि हमारा कॉलेज है। और मिरांडा के बारे में एक खास बात क्या, मैं तो हजारों खास बातें बता दूं, मिरांडा के बारे में हर चीज़ जो है वो खास है। एंड जो आप लोग स्टैटिस्टिक्स की बात मानते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग NIRF रैंकिंग 1 है। एंड यार मेरा कॉलेज और क्या बोलूँ इसमें, निमिषा पाठक बट तो के पुराने एल्बम पहले करी। हाँ बहुत
आप कहती है दौलत राम आ जाएगा, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। जी हाँ, अब हम लोग आ चुके हैं बहुत ही ज्यादा हाइप्ड वाले कॉलेज में, विच इज वर्थ द हाइप, SRCC में। और आप देख सकते हैं ना दीवारों पे ABVP ने अपना वो स्प्रे से अपना नाम छाप दिया है। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये करने की क्या जरूरत है, मतलब SRCC लिखा है तो इसका रेलेवेंस क्या है। मिरांडा में आपने देखा था ग्लास लगवा लिया है हम लोगों ने, क्योंकि वहाँ पर भी ने ABVP ऐसे स्प्रे कर दिया था, पता नहीं क्या करते रहते हैं। हाँ, तो दिस इज SRCC। यहाँ के बारे में अच्छी बात, यहाँ के बारे में अच्छी बात ना, मैं अपनी फर्स्ट ईयर की मेमोरीज बता रही थी, बहुत अच्छी मेमोरीज है। यहाँ का जो हिंदी साहित्य सभा है वहाँ के लोग और ज़्यादा स्पेशल हैं। तो दिस इज SRCC, इन लोगों का बोर्ड देखिए, फंड्स काफ़ी अच्छे हैं इनके पास। तो जी हाँ, अब हम लोग आ चुके हैं दौलत राम कॉलेज, और इस कॉलेज के अंदर तो मैं कभी गई नहीं हूँ। और इस कॉलेज की अच्छी बात जो अभी हमें गूगल पर सर्च करके पता चली है वो ये है कि यहाँ पर फ्री वाईफाई है, हमारे यहाँ भी है बट पासवर्ड धीरे धीरे चोरी से पता चलता है, तो फ्री वाईफाई इज़ अ गुड थिंग। दो इसकी स्पीड कम है, इट्स जस्ट लाइक हमारे वाइस चांसलर का मूड, कभी ज़्यादा स्पीड पर चलता है कभी स्लो स्पीड पर चलता है। सो सामने जाके स्टीफनसन हिंदू है, एंड इफ वी गो टू द, सॉरी मेरे डायरेक्शंस बुरे हैं, सो इफ वी गो टू द लेफ्ट देन इट्स लॉ पार्क एंड आर्ट पार्क, एंड इफ वी गो टू द राइट देन इट्स KMC। ओके, दैट्स ग्रेट। सो अभी अपन लॉ पार्क चलते हैं, लॉ पार्क चलते, लॉ पार्क एंड आर्ट पार्क, एंड आफ्टर टाइम वी विल शो यू गाइस हिंदू एंड सिख। स्टे ट्यून्ड, वॉच इट टिल द एंड। एक तो लो हमारी तरफ सॉर्ट ऑफ ऐसे छेड़ रहे थे। हाँ, रोड पे क्या करा तुम लोग, कुछ नहीं, इग्नोर, लाइक अगर वही होता है ना, लाइक देवर अ ग्रुप ऑफ गाइज, या फिर हम लोग से दो तीन लड़की आई थी तो वी वर लाइक लेट इट बी। अगर रात भी हो रही थी ना तो फिर ठीक है, लेकिन हाँ लड़के मोस्टली बहुत ज़्यादा हरकतें करते हैं। अच्छा, एक स्ट्रॉन्ग रीज़न कि लोगों को DU आना चाहिए, वन स्ट्रॉन्ग रीज़न, रेपुटेशन इज़ वेरी नाइस, मतलब इट इज़ वेरी हेल्पफुल फ्यूचर ऐसे। एंड इज़ इट वर्थ द हाइप? I don't know why, because मेरा ऑनलाइन निकला है सेशन, सो लाइक मेरे को इतना कुछ यू नो यूजफुल गेम नहीं लगता मेरी लाइफ में। तो ये हमारा यूडू के सफर में ही चल रहा है, DU के एक छात्र के साथ इंटरव्यू, एंड वन रीजन लोगों को DU नहीं आना चाहिए, यू कैन फाइंड मैनी बेटर कॉलेजेस, लाइक अगर लाइक फाइनेंशियली स्टेटस देखा जाए तो DU इज़ वेरी चीप एंड स्टफ, बट अगर लाइक इफ यू गाइज डोंट हैव अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम देन There are many private colleges who will give you better education. और क्योंकि हम उनका नाम ले सकते हैं बट उन्होंने हमें स्पॉन्सर नहीं किया, तो वी आर नॉट नेमिंग यू। तो हम लोग यहाँ आए हैं, ये कॉर्नर है जो अभी अभी यहाँ ये डेकोरेट किया गया है, और मैं यहाँ हर जगह बैठ के ऐसे फोटो खिंचवा रही हूँ जैसे कोई लोग चिड़ियाघर में जाके नहीं हर जानवर के साथ फोटो खिंचवाते हैं, वैसे मैं हर टायर के साथ फोटो खिंचवा रही हूँ। एंड सॉरी इशिका, हंसना नहीं चाहिए, दिस इज सो बैड। चलो, आई लव डैडी, इसमें पानी भी है। निमिषा तो ओके, देखो इसके साथ साथ मैं आपको वाटर कंजर्वेशन का भी मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर हम लोग अभी नहीं रुके तो यही नौबत आने वाली है और कुओं में पानी भी नहीं बचेगा, तो प्लीज वेक अप। तो अब हम आ चुके हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ का मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है, यहाँ पर लोग पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ज़्यादा आते हैं, यहाँ पर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस प्लेस इज यहाँ की ब्यूटी, इतना ज़्यादा खूबसूरत आप देख सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि स्टूडेंट्स के अलावा भी जो मतलब बड़े लोग हैं, यहाँ पर कोई भी आ सकता है मॉर्निंग वॉक के लिए, तो इफ़ यू लिव नियर बाय डोंट मिस दिस प्लेस। चलो किसी से पूछते हैं यहाँ की खासियत, जो बोल रहे मीडिया की लड़कियां कही है अपने, जैसे ये अपने श्वेता सिंह है ना, ये इसे मेरे अच्छे लिंक है, बड़ी जबरदस्त बोलती है श्वेता सिंह, तो क्या बोलती है अंकल, आप भी यूट्यूब पे आओगे, हो गया ये रिकॉर्ड, कितना देर पार्टी हो गया, रिकॉर्ड कर लिया, हो गया। हाँ अरे चलिए, ये स्टूडेंट से थोड़ी बातचीत करते हैं कम, तो पता है हर बार यही होता है कि किसी को किसी की जरूरत तभी होती है जब उससे फोटो खिंचवाना होता है, लेकिन नहीं, हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। ये मैं ब्लॉग बना रही हूँ पूरे कैंपस का,
तो आज फैकल्टी में ही हैं आप लोग. पहले आप अपना नाम बताएं. My name is Ragini. I'm a student of MA final year and I'm doing masters in political science and I came here recently to like birds are chirping and all the morning. And एक चीज़ जो आपको यहाँ की बहुत ज़्यादा पसंद है arts faculty की. Library. Yes. The library. And these the vibe. Yes, the vibe. और बहुत खूबसूरत है यार ये जगह. आप डेली आते हैं यहाँ? हाँ, ऑलमोस्ट. चलो ग्रेट, थैंक यू सो मच. थैंक यू. व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज निमिषा. ओके, देख लेना यूट्यूब पे आएगा दो तीन दिन. निमिषा पाठक. हाउ मेनी फॉलोअर्स? सी, आई डिडंट आस्क हर टू सब्सक्राइब बट थैंक यू सो मच. यू नो इट मींस अ लॉट. इतनी फेमस भी नहीं हूँ, पाठक भी डालना पड़ेगा. थैंक यू सो मच मेघना. बाय. ये सीएनसी. I was expecting something. Oh, car. अब हम आ चुके हैं लॉ सेंटर और ये देखकर जो मेरा पहला रिएक्शन था कि ओ वाओ, ऐसा बोर्ड है इनका. तो ये लॉ सेंटर है, यहाँ पर लोग LLB करने आते हैं, इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है. और इसके बारे में खास चीज़ जो मुझे पता है वो ये है कि मेरे PG मेट्स दो लड़कियाँ यहाँ पढ़ती हैं. थैंक्स अपर्णा एंड काजल. उन लोगों ने मुझे लॉ सेंटर से मिलवाया. अब हम आ चुके हैं सेंट स्टीफन्स कॉलेज. और सेंट स्टीफन्स की अच्छी बात ये है कि ये है, ठीक है. अभी अभी एक बहुत बुरा कांड हुआ है. वो एक गार्ड ने हमें अंदर जाने दिया था थोड़ा सा ही, दूसरे गार्ड ने ऐसे भगाया, आप इस कॉलेज क्यों नहीं हो ना, बाहर में जाओ. यही एटीट्यूड से मुझे कहानी याद आती है. तो एक बंदे को ना स्टीफन्स में एडमिशन चाहिए था बहुत साल पहले, लेकिन उसे मिला नहीं क्योंकि उनका कट ऑफ ऐसे आसमान को छू रहा था. उस बंदे ने ठाना कि मैं खुद का कॉलेज खोलूँगा और उसने खुद का कॉलेज खोला जिसका नाम है हिंदू कॉलेज. और वो कॉलेज ये है, ये देखिए स्टीफन्स के जस्ट सामने उसकी पड़ोसन है हिंदू कॉलेज. एंड स्टीफन्स की एक और अच्छी बात जो मुझे मिरांडा से याद आती है वो ये है कि बहुत पहले ना स्टीफन्स सिर्फ एक बॉयज़ कॉलेज था. तो जब भी यहाँ पे ड्रामा चलता था वहाँ पे मतलब फीमेल कैरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती थी तो मिरांडा से लड़कियाँ आती थी. इसी बात तुम्हें पता ही बात मैं बता रही हूँ बिकॉज आई वॉज इन मिरांडा के थिएटर सोसाइटी. तो आई नो दिस फैक्ट. तो यहाँ के लड़के और मिरांडा की लड़कियाँ. चलो हिंदी चलते हैं. अब हम आ चुके हैं हिंदू कॉलेज. और हिंदू कॉलेज की खास बात जो बहुत सारे लोग जानते हैं वो ये है यहाँ की वर्जिन ट्री. तो जो यहाँ पर है 14 February के दिन वहाँ पे लोग पूजा वूजा करते हैं सिंगल जो होते हैं. और ये है हिंदू कॉलेज. जैसे कि मैंने आपको स्टोरी तो पहले ही बता दी है स्टीफन्स और हिंदू की, बहुत टक्कर चलती है इन लोगों की. आओ फोटो खींचो. हाय गाइस, सो अब हम आ चुके हैं DSE. और यहाँ पे मोस्टली तीन चीज़ों की मास्टर्स की जाती है, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स. तो यहाँ की खास बात है कि यहाँ पे घुसना बहुत मुश्किल है बिकॉज एंट्रेंस बहुत डिफिकल्ट होती है एंड मेरिट बेस्ड पे, मतलब हम तो मेरिट के बेस पे आ ही नहीं सकते कभी. बट हाँ, पर इसका कैंपस बहुत अच्छा है और इकोनॉमिक्स की जो भी चीज़ें लेजिटिमेट होती है हमारे कॉलेज में वो सारी GSE से आती है. थैंक यू. अब हम आ चुके हैं रामजस कॉलेज. और यहाँ की खास बात जो मेरी फेवरेट मेमोरी है वो ये है कि जैसे कि आप में से कुछ लोगों को पता है कि मैं एक डिबेटर हूँ, मैं बात बात करती हूँ. तो फर्स्ट ईयर में ना यहाँ का जो पार्लियामेंट्री डिबेट हुआ था वो मिरांडा हाउस ने जीता था. मतलब फर्स्ट आए थे, बहुत सारे दिल्ली के कॉलेजेस आए थे फिर ऐसे टीम्स में. तो मैं और शिल्पा यहाँ की PD जीते थे. तो वो मेरी फेवरेट मेमोरी है. एंड ये है किरोड़ीमल कॉलेज. और यहाँ की खास बात यह है कि अमिताभ बच्चन यहाँ से पढ़ा है. और एक और जो बात खास नहीं है वो ये कि जब मैं एडमिशन लेने आई थी तो मुझे लगता था मिरांडा हाउस एंड किरोड़ीमल एक जैसे हैं. आई वाज लाइक इनडिफरेंट. फिर अब जाके पता चलता है कि मुझे ऑब्वियसली मिरांडा हाउस लेना चाहिए था. अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा लड़कियाँ पैर से रोकती हैं स्कूटियाँ, इतना हाइप डे मीम बना रखे लोगों ने. देखा आपने, मैंने नहीं रोकी पैर से, है ना. चलो चलो, अब हम आ चुके हैं हंसराज कॉलेज. हंसराज कॉलेज में वो पढ़ा है ना, हंसराज कॉलेज में कौन पढ़ा? शाहरुख खान. भाई थोड़ा रिसर्च करके आज कैसी कैसी ब्लॉगर है फ्रेंड मेरी. हाँ, अनदर टेक.
बोलते रहे वो ड्रॉप कर लियो। तो अब हम आ चुके हैं हंसराज कॉलेज और ये है यहाँ का गेट नंबर 1। जैसे कि आप देख सकते हैं इस कॉलेज की खासियत है कि यहाँ पर शाहरुख खान पढ़ा है। नहीं, इसके साथ साथ बहुत सारी खासियत है। तो ये है हंसराज कॉलेज, आइए लेट्स टेक अ स्नीक पीक। और हमें घुसने नहीं दिया जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं चिड़िया चहचहा रही है, माहौल काफ़ी अच्छा है। अच्छा वो ना बचपन में तुम करती थी शेख ऐसे गेट पर खड़े होके ये यहाँ का नॉर्थ कैंपस का फेमस मार्केट है कमला मार्केट। अभी तो आपको कुछ दिख नहीं रहा है बट रात में ना ये रोड काफ़ी दिखता है, हाँ इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो ये कमला मार्केट है, हर चीज़ मिलती है अच्छे से अच्छी, बुरी से बुरी, किफ़ायती दाम में। अब बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो चलो कुछ खाएं। कितना तो दिस वॉज़ आर कैंपस टूर और हमने सारे कॉलेजेस, सारी फेमस जगहें नॉर्थ कैंपस की कवर की। और जो सारी चीज़ें हम कवर नहीं कर पाए क्योंकि अभी सुबह का वक्त है, वो है टॉम अंकल का मैगी पॉइंट, वो है सुदामा चाय वाला और हडसन लेन जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ के कैफेज, ये सारी चीज़ें नॉर्थ कैंपस में हैं। बहुत सारी कॉलेजेस की मैंने सबको आपको अच्छी अच्छी बातें बताई, कुछ कुछ कंपेरिजन भी किया अपने कॉलेज से। और इसीलिए शायद लोगों को ये लगता है कि मिरांडा हाउस की लड़कियों में बड़ा एटीट्यूड है, ये भी बड़ा फेमस यहाँ प्रचलन है जो माना जाता है। एंड आई फील ये कुछ हद तक से ये भी है, स्वाभिमानी है हम लोग एंड आई थिंक वी डिज़र्व दिस। और हम लोग जो है साफ बोलते हैं इसलिए शायद कभी कभी लोगों को बुरा लग जाता है, ये क्लियर करना ज़रूरी था ताकि वो अरे मिरांडा हाउस की लड़की ये वाला एटीट्यूड ना रहे। बस 2 दिन और, कॉलेज की लास्ट डे, कैंपस की लास्ट डे। वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़, कमेंट करके बताओ अगर आप कैंपस से हो, अगर आप दिल्ली से हो आपको यहाँ क्या पसंद है, कोई ऐसी चीज़ जो मैंने मिस कर दी हो आप लोग ऐड कर दें। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इशिका।